डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर 261 टू 283 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 261 हमारे पास क्या बोला गया है कि ए एंड बी दो स्टीरियो आइसोमर है और ये दोनों स्टीरियो आइसोमर जो है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल है एक दूसरे के और मिरर इमेजेस भी है। तो किसकी कंडीशन होती है? ये होती है इनेंशियोमर्स की, कि हमारे पास ए और बी एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज है। मिरर इमेज के साथ साथ ही क्या है, एक दूसरे पे नॉन सुपर इम्पोजिबल है, तो इनके बीच रिलेशन क्या होगा, इनेंशियोमेरिज्म। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 262 में हमारे पास देखिए कि ये दोनों जो कंपाउंड के बीच में रिलेशनशिप अपने को देखना है। तो हमारे पास ये जो कंपाउंड दिया गया है इस कंपाउंड को इसमें फॉर्म करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन तो सेम है, इसकी पोजिशन आप चेंज कर दीजिए कि एक बार इंटरचेंज ये वाला करें। तो इंटरचेंज ये वाला करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास कॉन्फिग्रेशन इस तरह से आ जाएगा, CH3BrHCl। फिर आप इसका इंटरचेंज कर दें, तब हमारा क्या हो जाएगा, तब हमारे पास ClCH3HBr। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर अपने पास दिया गया ये इसी स्ट्रक्चर के सिमिलर आ रहा है, बट अपन ने एक कैरल कार्बन के अलोंग कितने कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए, तो हमने पास डबल स्विच करना पड़ा। तो यदि किसी एक कैरल कार्बन के अलोंग यदि आपको डबल स्विच करना पड़ेगा तो कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस नहीं होते, और यदि आप इनका RS कॉन्फ़िगरेशन में निकालते हैं तो यहाँ पर PR कॉन्फ़िगरेशन आएगा और यहाँ पर भी R कॉन्फ़िगरेशन आएगा। दैट मीन्स ये आइडेंटिकल कंपाउंड्स है, दोनों सिमिलर कंपाउंड्स है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज S कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे पहले आप क्या डिसाइड कर लें कि CIP रूल से भी नंबरिंग कर लेते हैं, तो यदि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हमारा हॉरिजॉन्टल आ जाता है, हॉरिजॉन्टल दैट मीन्स ये वाली लाइन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे आता है और अपन 1 से 2 से 3 रोटेट करते हैं। रोटेट करने पे हमारे पास यदि क्लॉकवाइज जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन एस होगा, और यदि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आर होगा, और यदि फोर्थ हमारे पास वर्टिकल लाइन पे आ जाता है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप CIP रूल से, तो अपन 1 से 2 से 3 जाएंगे फोर्थ को एलिमिनेट करके, तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज में एस होगा। तो स्टैंडर्ड यही है, बट इसके केस में आपको क्या करना है, हॉरिजॉन्टल पे जब रिवर्स कर देना है। तो इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो किस तरह से सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर नंबरिंग करनी CIP रूल से, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, फिर यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर भी कार्बन, पर कार्बन से यहाँ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो सेकेंड प्रायोरिटी ऑर्डर इसको देंगे 2, 3, 4। अब 1, 2, 3 जाएंगे तो 1, 2, 3 इधर से, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें नंबरिंग 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 1, 2, 3 जाएंगे, यहाँ पे क्या रहा है, क्लॉकवाइज फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल है तो एस कॉन्फ़िगरेशन, बाकी का भी निकाल लेते हैं 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ से जाएंगे, 1/4 को अपन यानी छुपा देंगे और छुपा के फिर 1, 2, 3 जाएंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्या होना चाहिए था यहाँ पर S, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज जाने पे क्या हो रहा है, ये S कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, सॉरी यहाँ पर अपने पास S नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज में फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल है तो ये R होगा, ये वाला। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखें तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर अपन जाए क्लॉकवाइज और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे, तो यहाँ पर भी R कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो S कॉन्फ़िगरेशन केवल ऑप्शन बी में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 264 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज आर कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर भी सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, जैसे यहाँ पर प्रायोरिटी 1 इसको मिल जाएगी, सेकंड यहाँ पर मिल जाएगा, थर्ड प्रायोरिटी ऑर्डर यहाँ पर मिल जाएगा, फोर्थ इसको मिल जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 जाएंगे, 1, 2, 3 जाएंगे क्लॉकवाइज आर, तो यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा क्योंकि फोर्थ क्या है, वर्टिकल लाइन पे। बाकी ऑप्शन में देखें तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, अब 1, 2, 3 की तरफ जाएंगे क्लॉकवाइज, आर होना चाहिए था बट आर की जगह क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आर कैंसिल आउट होके एस बन जाएगा। ठीक है, दूसरा देखें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 यानी ये एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज में एस कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था, तो यहाँ पर फोर्थ वर्टिकल लाइन पे ये तो एस ही होगा। फिर अपन देखें कि हमारे पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4 इसमें 1, 2, 3 इधर से जाएंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर फोर्थ हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एस, तो यहाँ पर केवल आर कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो ऑप्शन ए में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी
यूजिंग द सी आई पी कौन इन गोल्ड प्रीलॉग रूल। तो इसमें जो पहला रूल होता है वो होता है एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर हाइयर होना चाहिए जो सबसे पहला एटम होगा। तो यहाँ पर पहला एटम देख कनेक्टेड कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो अपने पास एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। फिर अपने पास ये दोनों ऑप्शन बचे। फिर इसके बाद क्या देखते हैं, यदि सेम एटम है देन गो फॉर सेकेंड एंड थर्ड एटम, गो फॉर सेकेंड एंड थर्ड एटम, जब तक अपने को कोई भी डिफरेंस आ नहीं जाए। तो यहाँ पर पहला ऑक्सीजन है फिर हाइड्रोजन है, यहाँ पर पहला ऑक्सीजन है फिर क्या कार्बन है। अब इन दोनों पे अपन डिफरेंस देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन में किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, कार्बन का ज़्यादा है, तो सी आई पी रूल से प्रायोरिटी किसको मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, ऑप्शन डी की हो जाएगी। नेक्स्ट है 266, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी अकायरल कौन कौन से होंगे। तो पहला ऑप्शन है 50-50 मिक्सचर ऑफ आर एंड एस इनेंशियोमर्स। तो आर एंड एस इनेंशियोमर्स से क्या मतलब है कि आर जो होता है वो मिरर इमेज इसका बनाएंगे तो वो एस फॉर्म हो जाएगा, यानी हमारे पास किसी ऑप्टिकली एक्टिव लाइट को यदि ये राइट में रोटेट करता है तो इक्वल प्रोपोर्शन में क्या करेगा, ये लेफ्ट राइट लेफ्ट में रोटेट कर देगा, यानी इसका यदि रोटेशन प्लस थीटा है तो इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। और अपने पास जो मिक्सचर का थीटा होगा, थीटा मिक्सचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस थीटा माइनस थीटा विच इज जीरो डिग्री। और यदि थीटा मिक्सचर जीरो डिग्री है दैट मीन्स ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है? तो यहाँ पर यदि 50-50% में, 50-50% से क्या मतलब है कि इक्विमोलर है, ये भी 50% है ये भी 50% है, जिसे प्लस थीटा और माइनस थीटा इक्वल प्रोपोर्शन में आएगा इसलिए हमारे पास जीरो हो जाएगा। मीजो कंपाउंड्स एकायरली होते हैं क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एकायरल, कोई भी एकायरल कंपाउंड होगा वो तो हमेशा ही ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, दैट मीन्स ये तीनों ही ऑप्शन के हैं ऑप्टिकल इनएक्टिव के, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 267 में क्या पूछा गया है कि इफ एस ग्लिसरेल्डिहाइड हैज ए स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ -8.7 डिग्री डिग्री देन व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ आर। तो एस का हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन क्या दिया हुआ है, 8.7 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास आर का क्या होगा, एस क्या का मिरर इमेज यदि अपन बनाएंगे तो आर आएगा। मिरर इमेज से क्या मतलब होता है कि यदि ये राइट लाइट को कितने पे प्लस थीटा पे रोटेट कर रहा है तो एस भी क्या होगा इसके प्रोपोर्शनल में सेमी ऑप्टिकल या स्पेसिफिक रोटेशन शो करेगा, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर -8.7 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +8.7 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है 268, ए मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ टू इनेंशियोमर्स, कि दो इनेंशियोमर है यानी आर और एस एक दूसरे के इनेंशियोमर है, मिरर इमेज है, तो इक्वल अमाउंट्स यानी ये भी 50% है ये भी 50% है, तो 50% आर और 50% एस मिलकर क्या बना लेंगे, रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर? तो हमारे पास टू इक्वल अमाउंट्स वाले जो कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, रेसेमिक मिक्सचर हो जाएगा। और रेसेमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है। इसके लिए अपने पास कौन से ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ए और बी दोनों होंगे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 269 में हमें क्या पूछा गया है कि द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए प्योर सब्सटेंस इज 1.68 डिग्री, व्हाट इज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग 75% ऑफ दिस आइसोमर एंड 25% ऑफ माइनस आइसोमर। तो अपने को स्पेसिफिक रोटेशन जो दिया गया है यहाँ पर, स्पेसिफिक रोटेशन वो +1.68 डिग्री दिया हुआ है, यानी प्लस आइसोमर यहाँ पर 75% है, तो हमारे पास प्लस आइसोमर जो दिया गया है वो 75% है, माइनस आइसोमर जो है वो कितना दिया हुआ है, 25% दिया गया। दैट मीन्स यहाँ पर अपन देखें परसेंटेज इनेंशियोमेरिक एक्सिस तो कितनी है, 75 प्लस फॉर्म था और 25 ये वाला फॉर्म है, तो यानी 50% यहाँ पर इनेंशियोमेरिक एक्सिस अपने पास है। इसका क्या मतलब है कि जब आप इस मिक्सचर को ऐड करेंगे तो हमारे पास 25% प्लस फॉर्म और 25% माइनस फॉर्म, ये मिलकर तो क्या बना लेंगे, रेसेमिक बना लेंगे। और इसके अलावा जो 50% है वो क्या होगा, प्लस फॉर्म होगा जो ऑप्टिकली प्योर फॉर्म में रहेगा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन ऑब्जर्व हो रहा है। क्लियर है? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज इनेंशियोमेरिक एक्सिस कितना है, 50% है। अब परसेंटेज इनेंशियोमेरिक एक्सिस जो होता है
वो हमारे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लिखें तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन आइसोमर, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन आइसोमर इन मिक्सचर, मिक्सचर में इसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा वो अपने को पता करना है। इसके बाद में स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, क्लियर है। तो अपने को मिक्सचर में उसका स्पेसिफिक रोटेशन आइडेंटिफाई करना है, जो कि यहाँ पर ये अबोव वाला टर्म है, यानी ये एक्स मान लिया अपन ने कि लेट से एक्स की वैल्यू है, और स्पेसिफिक रोटेशन प्योर सब्सटेंस, प्योर फॉर्म में अपने पास प्लस है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या दिया 1.68 डिग्री, यानी ये 1.68 यहाँ पर आ गया, और परसेंटेज इनेंशियोमेरिक एक्सेस कितना है 50%, यानी 50/100। जब इनको कैलकुलेट करेंगे आप तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +0.84 डिग्री, +0.84 डिग्री क्या है अपने पास इस आइसोमर का, यानी प्लस फॉर्म का इस मिक्सचर में जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो यहाँ पर वैल्यू दी गई है। तो कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 270, 270 में क्या पूछा गया है कि माइनस मेंडेलिक एसिड हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 158 डिग्री, तो हमारे पास जो माइनस फॉर्म है उसकी वजह से यदि हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन -158 डिग्री आ रहा है अल्फा की वैल्यू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यदि प्लस फॉर्म के लिए मैं देखूं, प्लस फॉर्म के लिए हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो जाएगा, सिमिलर अमाउंट ही होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, यानी +158 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। तो उसके बाद पूछा गया व्हाट वुड बी द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 40% माइनस और 60% प्लस, मेंडेलिक एसिड सेम है तो हमारे पास यहाँ पर 40% जो है वो माइनस फॉर्म होगा और 60% जो होगा वो क्या होगा, प्लस फॉर्म होगा। तो यहाँ पर अपन इनेंशियोमेरिक एक्सिस देखें, परसेंटेज इनेंशियोमेरिक एक्सिस वो कितनी है 60-40, कि हमारे पास 40-40 क्या हो जाएंगी, रेसिपी में सिमिलर लिखो 20% हमारा जो प्लस फॉर्म होगा वो एक्सेस में होगा, तो यहाँ पे +20% ये इनेंशियोमेरिक एक्सिस हो जाएगा। अब इसी जो मिक्सचर अपने पास मिला है 40-60 का, इस 40-60 में अपने पास क्या होगा स्पेसिफिक रोटेशन वो अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अपने पास सिमिलरली जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने इनेंशियोमेरिक एक्सिस का फॉर्मूला पुट किया था कि स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन आइसोमर इन मिक्सचर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, तो हमारे पास परसेंटेज इनेंशियोमेरिक एक्सिस क्या है 20%, तो यहाँ पर 20% हो जाएगा 20/100, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन आइसोमर इन मिक्सचर, मिक्सचर में जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा लेट से क्या है अपन ने पी मान लिया कि पी उसका रोटेशन है, या थीटा मान लीजिए कि थीटा है, ठीक है। इसके बाद क्या बोले, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस का यहाँ पर स्पेसिफिक रोटेशन क्या दिया गया है, यहाँ पर हमारे पास -158 जो दिया गया है वो माइनस फॉर्म का है, पर इनेंशियोमेरिक एक्सिस अपने पास किसकी है, प्लस फॉर्म की है, इसलिए प्लस फॉर्म का अपन यहाँ पर इससे कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ पर 158 आप लिख देंगे। जब आप इसे थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितनी आएगी, अराउंड आएगी 31.6 डिग्री, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 32 डिग्री, पर ये किस फॉर्म में आएगा, प्लस फॉर्म में आएगा, ठीक है, क्योंकि इनेंशियोमेरिक एक्सिस अपने पास कौन से फॉर्म की है, प्लस फॉर्म की, इसलिए आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 271, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर और इस मॉलिक्यूल में देखें तो एक दूसरे के मिरर इमेज है, मिरर इमेज किस तरह से, जैसे कि हमारे पास HCl, ये तो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, CH3, ठीक है। अब इसका यदि आप मिरर इमेज लें तो मिरर इमेज में क्या होता है, ये जो एटम है यहाँ पर ये हो जाएंगे HCl, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर H, और बाकी वैसा का वैसा ही रह जाएगा, तो ये इसका मिरर इमेज बनेगा। मिरर इमेज में भी देखें तो दोनों में ही अपने पास प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, यानी ये भी अपने कायरल है और वो भी कायरल है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, मिरर इमेज है और कायरल है, यानी ये हो जाएंगे एक दूसरे के इनेंशियोमर्स, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 272 में हमें क्या बोला गया है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में देखें तो यहाँ पर कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने पास आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, कायरल सेंटर है, तो कंपाउंड हो जाएगा मीजो, यहाँ पर हमारे पास देखिए दोनों कायरल सेंटर है पर POS और COS यहाँ पर नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ये मॉलिक्यूल होगा कायरल, तो एक कायरल है एक अकायरल है,
और एक दूसरे के मिरर इमेज भी नहीं है, नॉट मिरर इमेज, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये होंगे डाइस्टीरियोमर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 273, हाउ मैनी डाइस्टीरियोमर्स एग्जिस्ट फॉर द मोलिक्यूल गिवन बिलो। अपने पास ये मोलिक्यूल दिया गया है, इसके कितने डाइस्टीरियोमर बनेंगे वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला लिखते हैं कि स्ट्रक्चर जो इसका होगा वो कैसा होगा, कि हमारे पास सी डब्लू ओ एच, यहाँ पर देखें सी एच ओ एच, सी एच ओ एच, सी एच ओ एच, और यहाँ पर सी एच टू ओ एच। ठीक है, तो ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल यानी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। और यहाँ पर कायरल सेंटर कितने हैं, तीन। तो यहाँ पर टोटल यदि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर मैं काउंट करूँ तो कितने हैं, 2 to the power 3 विच इज 8। अब मैं यदि 8 आइसोमर बनाना चाहूँ पॉसिबिलिटीज, तो किस तरह से पॉसिबल होंगे वो मैं बना के देखता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए कैसे कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, कि आप सबसे पहले क्या करें, ओ एच ओ एच और ओ एच यहाँ पर सेम रख दें, सी डब्ल ओ एच और यहाँ पर सी एच टू ओ एच, क्लियर है, एच एच यहाँ पर जुड़े हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी या नहीं आएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगी या नहीं आएगा, तो इसका एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट कर सकता है। यानी मिरर इमेज कैसा बनाएंगे आप, यहाँ पर ओ एच ओ एच ओ एच, यहाँ पर एच 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 और सी डब्ल्यू एच सी डब्ल्यू एच यहाँ पर। ठीक है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये दो कंपाउंड एक ये वाले हो जाएंगे। इसके अलावा क्या करें, अब आप एक एक करके चेंज करते रहें, इसका कॉन्फिग्रेशन चेंज कर दें कार्बन का। तो इसका कॉन्फिग्रेशन आपने चेंज कर दिया तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये ओ एच इधर आ जाएगा, बाकी ओ एच यहाँ पे रह जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे सॉल्व करके, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, एच सी एच टू ओ एच। अब इसका एक मिरर इमेज आप बना दीजिए, वो भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, तो दो आइसोमर ये वाले हो जाएंगे। इसके बाद अपन देखें कि अपन क्या करें, ये वाला कॉन्फिगरेशन तो अपन रहने दी इंटैक्ट, ये वाला अपन चेंज कर दे अब, तो ये वाला ऊपर यानी यहाँ पर ये वाला। ठीक है, तब हमारे पास क्या होगा, तब आप ये वाले कॉन्फिगरेशन रखिए, ओ एच यहाँ पर भी ओ एच है, बस चेंज हो गया वो ये ओ एच हो गया। ठीक है, एच 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 यहाँ पर सी डब्ल ओ एच, यहाँ पर सी एच टू ओ एच, तब भी यहाँ पर क्या आएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, क्योंकि सी डब्ल ओ एच है ऊपर और सी एच टू ओ एच है, तो इसका भी एक मिरर इमेज एग्जिस्ट कर जाएगा। क्लियर है, फिर अपन देखें कि एक कॉन्फिग्रेशन क्या चेंज हो सकता है, इस कार्बन का कॉन्फिग्रेशन चेंज हो, यानी हमारे पास क्या हो जाए, हमारे पास इस तरह से आ जाए कि ओ एच इधर आ जाए और बाकी ओ एच इधर ही रहे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, तब भी इसका एक कॉन्फिग्रेशन पी एस यू एस नहीं आएगा, तो एक इसका भी एक मिरर इमेज एग्जिस्ट कर जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 8 आइसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। यदि आप बाकी किसी भी तरह से ओरिएंटेशन चेंज करते तो इन्हीं में से एक आइसोमर आपका बनेगा। अब यहाँ पर आप चेक करें कि ये जो स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है ये कहाँ पे मैच कर रहा है आपके पास, तो ये हमारे पास जो मैच कर रहा है वो ये वाला मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस आइसोमर में यदि आप देखें तो हमारे पास इसका सारे 8 आइसोमर्स में जो 8 आइसोमर्स है उसमें केवल एक आइसोमर ये है, तो इन दो को छोड़ दें जो एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशन है, इनेंशियोमर्स है, यानी एक दूसरे के मिरर इमेज है। बाकी केसेस में इस कंपाउंड के लिए ये जो 6 आइसोमर्स है वो नॉन मिरर इमेज होंगे, यानी ये सभी 6 आइसोमर्स जो अपने पास है कंपाउंड्स बने हैं वो इसके क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर्स होंगे। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स एग्जिस्ट करेंगे, टोटल 6। तो हमारे पास इस कंपाउंड के डाइस्टीरियोमर काउंट करें तो 2 यहाँ से हो जाएंगे, क्योंकि ये कंपाउंड अपन ने लिया है जिसके नॉन मिरर इमेज ये दोनों होंगे। इसी तरह से नॉन मिरर इमेज में ये भी आ जाएंगे और नॉन मिरर इमेज में ये वाले भी आ जाएंगे, तो टोटल डाइस्टीरियोमर्स 6 होंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 274, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीजो कंपाउंड। तो मीजो कंपाउंड के लिए क्या चाहिए, काइरल सेंटर प्लस सिमेट्री, तब वो कंपाउंड क्या होगा, मीजो होगा। तो हमारे पास देखिए ये कंपाउंड काइरल सेंटर भी है, यहाँ पे भी काइरल सेंटर है, प्लस यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ रही है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये कंपाउंड हो जाएगा मीजो, यानी इसे अपन अकायरल कंपाउंड भी बोल देंगे, क्या काइरल कंपाउंड है। इसी तरह से बी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर काइरल सेंटर है, यहाँ पर भी काइरल कार्बन है, बट यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आ रहा है, यानी ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल अपना काइरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अकायरल नहीं है, मीजो कंपाउंड नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी अपने पास प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, क्यों, दिखने में HCl ऐसा आ रहा है बट यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH2CH3, तो कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी, तो
तो ये मॉलिक्यूल भी क्या होगा, कायरल हो जाएगा। मीजो कंपाउंड्स अकायरल होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर तो पी ओ एस सी एस आएगा ही नहीं, तो ये मॉलिक्यूल भी कायरल हो जाएगा। तो केवल जो मीजो कंपाउंड है वो ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट 275 क्वेश्चन में क्या है, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। तो इसका अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं एक्सटेंड करके। तो ये देखिए सी एच टू पे बी आर जुड़ा हुआ है, इस पे सी एच, सी एच थ्री, सी एच टू, सी एच थ्री, क्लियर है। तो इसमें हमारे पास ये कार्बन जो है वो कायरल कार्बन है, केवल एक कायरल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स जो अपन बनाएंगे वो क्या है, 2 to the power n, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर या ऐसी साइट्स जहाँ पर स्टीरियो आइसोमरिज्म हो सकता है। तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 2 to the power 1 यानी 2। एक R फॉर्म हो जाएगा और एक S फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ऑप्शन सी 2 के बराबर होंगे। नेक्स्ट है 276, हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। तो इस कंपाउंड में अपन देखें स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि सी एच थ्री, सी एच, सी एल, सी एच टू, सी एच, सी एल, सी एच थ्री। अब आप इसको देखें तो ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है, यानी यहाँ से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दो कायरल सेंटर दिए हुए हैं। तो यदि आप कॉम्बिनेशंस बनाना चाहेंगे पहले फॉर्मूला ही पुट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स का फॉर्मूला पुट किया, सिमेट्रिकल के लिए क्या होगा, 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n/2-1, जहाँ एन क्या है, 2 है, इवन है। इवन होने पर ही तब ये फॉर्मूला पुट करते हैं। तो इससे आप 2 to the power 2-1 प्लस 2/2-1, तो कैलकुलेट करने पे 3 आ जाएगा। पर 3 किस तरह से आएगा, तो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इस कार्बन पे आर एस, तो यहाँ पर एक बार आर हो गया तो एक बार यहाँ पर भी आर हो गया, लेट से। दूसरा केस क्या हो सकता है, आर एस, एस एस हो सकता है। तीसरा केस आर एस, तो यहाँ पर यदि एस आर कर दें तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सेम कंपाउंड होंगे, क्योंकि आइडेंटिकल है, एक दूसरे को इक्वली काट लेंगे। तो काट लेंगे तो ये क्या होगा, मीजो कंपाउंड होगा, और मीजो का मिरर इमेज आप बनाएंगे तो आइडेंटिकली होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितने कंपाउंड्स होंगे, यहाँ पर हमारे पास जो कैटेगरी वाइज आप देख रहे हैं, एक तो ये बनेगा आइसोमर, दूसरा आइसोमर ये बनेगा, और इन दोनों में से कोई एक काउंट कर लीजिए, तो टोटल स्टीरियो आइसोमर्स जो होंगे वो यहाँ पर 3 आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 277, व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। फॉलोइंग मॉलिक्यूल का कॉन्फिगरेशन क्या दिया गया, ये अपने को पता करना है। तो इसमें देखिए ये कार्बन और ये कार्बन, इस पे सीआईपी रूल से नंबरिंग करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे नंबरिंग क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर इसमें कार्बन और यहाँ पे कार्बन है, इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो सेकंड प्रायोरिटी इसको मिल जाएगी, फिर थर्ड इसको मिलेगी, फोर्थ इसको मिल जाएगी। अब अपन क्या करेंगे, 1 2 3 जाएंगे, यानी 1 2 3 जाने पे क्लॉकवाइज आ रहे हैं। अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आर होना चाहिए था क्लॉकवाइज से, पर आर नहीं होगा, ये हुआ एस कॉन्फिगरेशन। इसी तरह से नीचे वाले को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, तो 1 2 3 जाएंगे, क्लॉकवाइज आ रहा है तो यहाँ पर भी आर होना चाहिए था, पर होगा क्या, एस, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अब नंबरिंग करना चाहे कि अपन नंबर देंगे तो कहाँ से देंगे, आईपीएससी से, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नेमिंग होगी। तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे एस है और 3 पोजीशन पर भी एस है, तो 2s 3s होगा, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 278, इन द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला गिवन बिलो व्हाट आर द कॉन्फिगरेशन ऑफ द 2 asymmetric centers। एसिमेट्रिक सेंटर्स यानी कायरल सेंटर्स, ये कायरल सेंटर है, एक ये कायरल सेंटर है, इनका कॉन्फिगरेशन अपने को चेक करना है। तो इसमें हमारे पास देखिए ये कार्बन है, इससे यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये क्या जुड़ा हुआ है, इसको आप देखें सी डबल बॉन्ड ओ एच है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी इसको 1 मिलेगी, सेकेंड प्रायोरिटी इसको मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी और फोर्थ प्रायोरिटी। तो 1 2 3 अपन जाते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास एस कॉन्फिगरेशन होना चाहिए था, पर ये फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आर कॉन्फिगरेशन होगा। इसी तरह से नीचे वाले का में देखते हैं तो हमारे पास 1 ये हो जाएगा, दूसरे में अपन देखें 2 3 4, तो 1 2 3 जाएंगे, फिर वही बात एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास आर कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो यहाँ पे 1, इसको नंबरिंग देखें सी डब्ल्यू एच स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेजर फंक्शनल ग्रुप ये होता है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे क्या है, आर, और 3 पोजीशन पे आर है। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 279, मैं अपने को हाउ मेनी कायरल कार्बन सेंटर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। कायरल कार्बन क्या होंगे, ऐसा कार्बन जिसे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों।
ये अपने को देखना है। तो इस कार्बन पे देखें, इस कार्बन में हमारे पास 1 2 3 4 चार डिफरेंट ग्रुप है, तो ये कार्बन कायरल हो जाएगा। इस कार्बन पे देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पे भी चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस कार्बन पे भी देखें तो चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। इस पे देखें नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है, इससे यार रेजोनेंस में जा रहा है, तो यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे कायरल सेंटर नहीं होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने होंगे, यहाँ पर 3 कायरल सेंटर होंगे, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज कायरल, कौन सा कायरल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ए ऑप्शन में, देखिए ए ऑप्शन में आप देखें तो यहाँ पर इस तरह से काटना चाहिए इस मॉलिक्यूल को, तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसके अलावा यदि यहाँ पर CH3 है तो इधर भी CH3 होना चाहिए था, बट नहीं है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये दोनों के दोनों अपवर्ड है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास देखें तो यहाँ पर ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, यहाँ पर भी H और CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर नाइट्रोजन तो लोन पेयर है। इसके अलावा यदि आप देखें तो यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री आपके पास नहीं आएगी, यदि आप इस तरह से भी कट करेंगे तो इस पार्ट का अपने पास मिरर इमेज नहीं होगा, क्लियर है। तो POS और COS नहीं होने की वजह से ये मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर जब अपने पास इवन इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको आप एक तरीके से बिग सर्कल मानिए, यहाँ पे बिग सर्कल मानिए, तो यहाँ पे कुछ भी ग्रुप हो, क्लोरीन ब्रोमीन अलग अलग ग्रुप भी हो, तो आप यदि कट करेंगे तो ये अपने ही सर्कल में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे, तो हाफ हाफ पार्ट क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। यहाँ पर भी क्या होगा, ये होगा CH, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर CH3, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन तो हाफ डिवाइड हो जाएंगे, और ये दोनों हाइड्रोजन जो है टेट्रावेलेंट पे एक दूसरे के मिरर इमेज में होंगे। तो इस तरह के केस में हमेशा प्लेन ऑफ सिमेट्री हमें मिल जाती है, ठीक है। इस प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलने की वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एकायरल हो जाएगा। तो यहाँ पर कायरल कौन कौन से हो रहे हैं, ए और बी हो रहे हैं, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 281, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज वन ऑफ द स्टीरियो आइसोमर एज अ मीजो कंपाउंड, मीजो कंपाउंड अपने को देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये वाला कंपाउंड, इसमें आप स्टीरियो आइसोमर के लिए आप क्या देखें, एक बार आप यदि वेज वेज पे रख दिए दोनों को, यानी ये वेज वेज पे रख दिए, तो यहाँ पर क्या, ये भी कायरल कार्बन है और ये भी कायरल कार्बन है, प्लस यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, मीज हो जाएगा, ये इसका वन ऑफ द आइसोमर है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से इस वाले ऑप्शन में भी देखें तो यहाँ पर एक आइसोमर क्या बनाएंगे, दोनों को वेज में रख दीजिए, दोनों को वेज में रख दिया, दोनों क्या है, कायरल सेंटर तो है, प्लस वहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आ जाएगी, यहाँ से आप कट करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, इसलिए कंपाउंड भी क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड हो जाएगा। इस तरह से आप 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन को देखें तो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी कायरल सेंटर अवेलेबल ही नहीं है, तो ये कभी भी मीजो नहीं होगा, नॉट मीजो, बट ये क्या होगा, अकायरल जरूर होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव जरूर होगा, बट मीजो कंपाउंड नहीं होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर मीजो कौन से हो रहे हैं, ऑप्शन ए और बी हो रहे हैं, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 282 में क्या पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाइस्टीरियोमर ऑफ मीजो 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन, 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन जो मीजो है उसका यदि आप स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से होगा, क्लियर है। इसको मीजो अपन ने क्यों कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है और कायरल सेंटर भी है, तो अपने को डाइस्टीरियोमर बनाना है, इसकी नॉन मिरर इमेज आइसोमर देखने, तो यहाँ पर हमारे पास देखें तो ये इसका नॉन मिरर इमेज है, ये डाइस्टीरियोमर हो सकता है, यहाँ पर भी नॉन मिरर इमेज है, बट ये वाला क्यों नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल यानी पोजिशनल आइसोमर होंगे, पोजिशनल आइसोमर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्लोरीन क्लोरीन एक कार्बन पे ही है, यहाँ पर क्लोरीन दो डिफरेंट कार्बन पे, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे, इसके डाइस्टीरियोमर कैटेगरी में आएंगे, तो ऑप्शन ए भी डाइस्टीरियोमर हो सकता है और बी भी डाइस्टीरियोमर हो सकता है, क्योंकि इनके बीच का जो रिलेशन है वो नॉन मिरर इमेज का है, नॉन मिरर इमेज, इसलिए इनको बोलेंगे डाइस्टीरियोमर। सिमिलरली ये वाला कॉम्बिनेशन भी क्या हो जाएगा, डाइस्टीरियोमर का हो जाएगा, तो ऑप्शन ए और बी दोनों ही क्या होंगे, इस दिए गए कंपाउंड यानी मीजो 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन के डाइस्टीरियोमर होंगे, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 283, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पर हमारे पास देखिए प्लेनर मॉलिक्यूल है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2 है, तो प्लेनर ऑब्जेक्ट होने की वजह से इसमें हमेशा एक मॉलिक्यूलर प्लेन से आप कट कर सकते हैं, एक ना एक POS आ जाएगा मॉलिक्यूलर प्लेन से, कि और कोई प्लेन आया नहीं है, पर यहाँ पर तो ये वाला प्लेन भी आ सकता है, तो मॉलिक्यूलर प्लेन तो आएगा ही आएगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वहाँ पर
प्रेजेंट रहेगी। इसी तरह से यहाँ पर भी मोलिकुलर प्लेन आ जाएगा, उसके अलावा भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है, इक्वल पार्ट में इस तरह से काटो या इस तरह से कट करो, इस तरह से भी कट कर सकते हो। ठीक है, इस मॉलिक्यूल में देखें तो यहाँ पर कायरल सेंटर तो अवेलेबल है, बट इस एक्सेस के अलोंग यदि कट करेंगे तो यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट फोर्थ वाले ऑप्शन में देखें तो ये कार्बन क्या, कायरल कार्बन है, क्यों, चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब यदि किसी भी कंपाउंड में ओनली वन कायरल कार्बन आपके पास है, वन कायरल कार्बन है, देन देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा हमेशा। कायरल कार्बन के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो कायरल कार्बन यदि एक ही है तो हमेशा कायरल, क्योंकि इस केस में आप क्या करेंगे, कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री उसमें अवेलेबल नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल यदि आप टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में इसको अरेंज करें, क्लोरीन आयोडीन यहाँ पे, फ्लोरीन और ब्रोमीन, अब आप इसको किसी भी एक्सेस के अलोंग कट करने की कोशिश करें, जैसे इस एक्सेस के लेट से कट करा आपने, तो क्लोरीन और आयोडीन तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, पर इसके मिरर इमेज ये दोनों नहीं हो सकते, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री कभी भी नहीं होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री किस में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प्ड यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स। गिव दिस वीडियो ए थम्स अप इफ इट इज यूजफुल फॉर यू। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन सो यू डोंट मिस लेटेस्ट वीडियोज फ्रॉम अवर वीडियो सॉल्यूशन सीरीज एंड एजुकेशन रिलेटेड स्टफ फ्रॉम GM Academy.